हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास नाइन्थ में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम सॉल्व कर रहे थे, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 4.4। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं, बच्चों जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन किया होगा तो जो पिन कमेंट होगा बच्चों, ठीक है, उस पर रीड मोड पे आप क्लिक करिए, आपको पूरे फिजिक्स के हर एक चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, केमिस्ट्री के लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मैं पढ़ा चुका हूँ, उसके भी आपको बच्चों लिंक वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स से ही पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो आपको नीचे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है बच्चों। तो पार्ट 1 से इसका प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में खुल के आ जाएगा। और एक चीज और ध्यान रहे, क्या, कि एग्जाम्पलर पढ़ने से पहले बच्चों एनसीईआरटी आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। प्लीज मेक श्योर कि एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोलता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 4y इज इक्वल टू 6। एट व्हाट पॉइंट्स द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, ठीक है। तो बहुत ही इजी है बच्चों, ये ध्यान से चेक करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ग्राफ तो सभी स्टूडेंट्स को ड्रॉ करना आता है ना। तो देखिए जरा, ये हो गया आपका एक्स एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यूज और यहाँ पर वाई की वैल्यूज, ठीक है। तो एक काम करते हैं बच्चों, पहले x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है, और y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन के आपके पास 3x + 4y = 6, तो x का वैल्यू 0 रखो बच्चों। x का वैल्यू कितना रख रहे हो आप लोग, 0, तो 3 × 0 = 0, ये खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, 4y = 6। नाउ डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड, तो 4 से लेफ्ट में डिवाइड किया, 4 से राइट में, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और 2 2 ज़ा और 2 3 ज़ा कितना आ गया, 3/2 आ गया। इसका मतलब कि x = 0 के साथ y कितना आ गया, 3/2, यानी कि फर्स्ट जो आपको कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो क्या मिले, 0, 3/2। ओके, इसका मतलब क्या होता है, 0, 3/2 का मतलब होता है स्टूडेंट्स 1.5, सही है। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, इन्होंने बाद में आपसे ये भी तो क्वेश्चन पूछा है कि एट व्हाट पॉइंट्स द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे कट करेगा वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, एंड द y एक्सिस पे क्या हालत होगा, ये इक्वेशन का जो भी ग्राफ होगा वाई एक्सिस को जिस भी पॉइंट पर कट करेगा वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये हमको पता है। तो इसीलिए मैंने एक्स की वैल्यू डायरेक्टली 0 डाल दी यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि जब मैंने एक्स की वैल्यू बच्चों 0 डाली, तो ये वाला जो पॉइंट मिला है 0, 1.5 या फिर 0, 3/2, भाई 3/2 ही तो 1.5 होता है, 3 को 2 से डिवाइड करो 1.5 ही तो आएगा, है ना। तो 0, 3/2 ये कहां पे लाई कर रहा होगा बताइए, वाई एक्सिस पे, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, 0, 3/2, तो देखिए बात समझिए, 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 कहां आता है, 1 और 2 के बीच में, यहां पे कहीं आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। तो 0, अच्छा x की वैल्यू हमें 0 लेनी है, ओके कोई बात नहीं। तो ये 3/2 आपको कहां मिलेगा, y एक्सिस पे, ये y कोऑर्डिनेट है ना। तो देखिए 3/2 का मतलब 1.5, तो 1 और 2 के बीच में यहां कहीं मिलेगा, तो ये वाला जो बच्चों पॉइंट है आपका, ठीक है, ये जो पॉइंट आपको अगर दिख रहा हो, तो ये पॉइंट है आपका क्या, 0, लिख दे रहा हूं यहां पे साफ साफ, 0, 3/2, सही है। तो एक पॉइंट तो ये वाला मिला आपको, ओके, और दूसरा पॉइंट कैसे मिलेगा, आप यहां पर y की वैल्यू बच्चों 0 पुट कर दीजिए, y बिकॉज x एक्सिस पे ये ग्राफ जिस भी पॉइंट पे कट करके निकल रहा होगा वहां पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 रख दो यहां पे, क्या दिक्कत है। तो 3x, देखो y की वैल्यू 0 रख रहा हूं बच्चों, y जब 0 रखा, चेक करेंगे x कितना आएगा, उसको यहां पर हम फिल कर देंगे, तो 3x + 4 × y, y का वैल्यू 0, यानी कि 4 × 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। तो बच्चों 3x + 0 कितना हो जाएगा, 3x ही हो जाएगा, = 6। नाउ डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, 3 से लेफ्ट में, 3 से राइट में, 3 से 3 गया, 3 1 ज़ा और 3 2 ज़ा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू बच्चों यहां 2 फिल कर दीजिए। अब यहां पे गलती क्या होती है, बच्चे क्या सोचते हैं, कहते हैं सर y = 0 रखा है, ध्यान से समझिए, y = 0 रखा है ना, तो वो पता है पॉइंट को क्या बता, 0, 2 बना देते हैं। रॉन्ग बच्चों, पहले x कोऑर्डिनेट आएगा फिर y कोऑर्डिनेट आएगा ना, वो तो अलग बात है कि आपने पहले y की वैल्यू 0 अज्यूम करी थी, सोचा आपने कि भाई चलो y 0 रख देते हैं, बिकॉज ये जो भी ग्राफ होगा ये x एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे कट करके निकलेगा वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना। तो बच्चों 0, 2 नहीं है पॉइंट के, आपका 2, 0 है। तो चेक करिए, ये देखिए 2, 0 यही तो आएगा, 2, 0 यही तो आएगा, ये तो सबको पता है, ठीक है, 2, 0। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको सिंपली इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा बच्चों इसको बड़ा बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है, और इसके ऊपर इक्वेशन लिख दीजिए, लाइन की इक्वेशन क्या है बताइए, 3x + 4y = 6। और दूसरा आंसर क्या लिखना है आपको, द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द x एक्सिस, वो पॉइंट कौन सा है बताइए,
2,0, ये आप फाइनली लिख दीजिएगा. एंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट द वाई एक्सेस इज गिवन बाय व्हाट, 0,3/2. तो 0,3/2. बताइए कोई डाउट है? और कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं था, है ना? कर लीजिए. नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फारेनहाइट टू सेल्सियस. देखो बच्चों, टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. ये हमने आपको पहले भी बताया, ठीक है? मतलब कोई चीज़ कितनी गर्म है या ठंडी, उसको हम लोग टेम्परेचर से मेजर करते हैं, है ना? और टेम्परेचर की अलग अलग स्केल्स होती हैं. जैसे लेंथ को आप मीटर में मेजर करते हो, सेंटीमीटर में मेजर करते हो, वैसे ही टेम्परेचर को फारेनहाइट और सेल्सियस में और केल्विन में भी मेजर करते हैं. डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स होती हैं. तो क्या रिलेशन होता है फारेनहाइट और सेल्सियस में? ये रिलेशन होता है बच्चों, ठीक है? मतलब दिया हुआ है इन्होंने ऐसा रिलेशन हमें, एनसीईआरटी में भी एक ऐसा शायद क्वेश्चन दिया हुआ है ना. तो सी इज इक्वल्स टू 5F-160/9. तो ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक? यहाँ से आप समझ सकते हैं क्या, अगर हम फारेनहाइट में जो टेम्परेचर, उसको यहाँ अगर हम फिल करेंगे, फारेनहाइट में कुछ टेम्परेचर दिया है, उसको अगर हम यहाँ पुट कर दें, तो हमारा टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेल्सियस में, ठीक है? बात समझ में? एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर कुछ सेल्सियस में दिया हुआ है, यहाँ पुट करेंगे तो एफ की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो टेम्परेचर जो सेल्सियस में था वो फारेनहाइट स्केल पे आ जाएगा, ठीक है? अब बात समझिए, कोई कहीं पे कोई सॉल्यूशन है, मान लीजिए, या मान लीजिए चाय रखी हुई, वो गर्म है, ठीक? अब वो जितनी गर्म है वो उतनी गर्म है. आप उसको चाहे फारेनहाइट स्केल पे मेजर कर लीजिए, चाहे सेल्सियस पे, ठीक है? दोनों स्केल पे न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग आएंगे, ठीक है ना? क्योंकि वो स्केल बनाने का तरीका आप क्लास 11th में देखोगे ना, तो और हाँ, क्लास 11th में स्केल बनाने का तरीका है सेल्सियस और फारेनहाइट का, ठीक है? तो दोनों आपको वहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू फारेनहाइट में और सेल्सियस में अलग अलग नजर आएगी, लेकिन होगा वो सेम गर्म या सेम ठंडा ही, ठीक है? उससे फर्क नहीं पड़ता. जैसे कि मान लीजिए ये है लेंथ, अब ये मान लीजिए क्या है, लेट अस अज्यूम कि ये 1 मीटर है, कोई बोल रहा है, मतलब 1 मीटर तो वैसे नहीं, पर मान लो चलो ये 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर बोल दो लेंथ, या क्या बोल दो, 100 सेंटीमीटर, बात क्या है, सेम. तो आपके आपका स्केल चेंज करने से थोड़ी ना कुछ हो जाता है ना? जो जितना लंबा है वो तो उतना लंबा रहेगा. आप उसको किलोमीटर में चेंज कर लो, आप उसको mm में चेंज कर लो, आप cm में चेंज कर लो. तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इफ़ द टेम्परेचर इज 86 डिग्री फारेनहाइट, वॉट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस? बच्चों बहुत ईजी, क्या करेंगे यहाँ, f की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 86, और सॉल्व कर लेंगे और c की वैल्यू निकाल लेंगे. तो पार्ट वन बच्चों यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, सब बच्चों वाले क्वेश्चन से एकदम. तो c इज इक्वल्स टू 5 × f, f की जगह बताइए क्या रखेंगे, 86 और माइनस 160 एंड होल डिवाइडेड बाय 9, ठीक है? इसको बच्चों सॉल्व करें, तो कैसे इसको सॉल्व करें, मैं क्या सोच रहा हूँ 5 कॉमन ले लूँ क्या, नहीं कोई फ़ायदा तो है नहीं, है ना? चलो पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं. c इज इक्वल्स टू इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 × 6 = 33, 5 × 8 = 40, 40+3 = 43, और -160 होल डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू बच्चों 430 में से हम लोग माइनस करेंगे क्या, 160, कितना आ जाएगा, 0 - 0 = 0, और 13 - 6 क्या होता है, 7, और यहाँ 3 बचेगा, 3 - 1 = 2, तो 270 आ गया यहाँ, ठीक है? अपॉन में 9, 9 1 = 9, 3 = 0, तो कितना आ गया, 30 डिग्री सेल्सियस. तो पार्ट वन का आंसर क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस. बात समझिए बच्चों, 30 डिग्री सेल्सियस जितना भी उसका हॉटनेस होता है, जो भी होता है, छूने में वो जितना हॉट लगेगा, वैसे तो 30 डिग्री सेल्सियस हॉट तो लगता नहीं, लगभग रूम टेम्परेचर के आसपास है, पर फिर भी मतलब जो भी उसकी हॉटनेस है, वही हॉटनेस किसकी होगी, 86 डिग्री फारेनहाइट की. बस स्केल अलग अलग है ना, हॉटनेस दोनों का डिग्री ऑफ हॉटनेस क्या है, सेम है. ओके, तो ये पार्ट वन हो गया बच्चों, बहुत ईजी था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक, ठीक है? चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों पार्ट टू में क्या कहता है. तो पार्ट टू में कह रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस, ओके? तो बच्चों इस बार टेम्परेचर उन्होंने आपको किस में दिया है, डिग्री सेल्सियस में, और टेम्परेचर मांगा किस में, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट, ठीक? तो बस फारेनहाइट में कन्वर्ट कर लो. फॉर्मूला बच्चों यही यूज करेंगे, ध्यान से चेक करिए, सी की जगह कितना पुट करोगे, 35 इज इक्वल्स टू 5F माइनस 160 होल डिवाइडेड बाय 9, कोई डाउट है? अब देखिए इसको ऐसे ब्रैकेट में आप बंद कर लीजिए, और नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 9 बोथ साइड. तो राइट हैंड साइड भी 9 से मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट हैंड साइड से, इससे क्या फ़ायदा है, ये वाला 9 इससे कैंसिल हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड बच्चों 9 × 5 = 40, कितना होता है, 45, 4, 9 × 3 = 27, 27 + 4 कितना हो जाएगा, 31 इज इक्वल्स टू में क्या आ गया, 5F और माइनस 160, कोई डाउट हो तो बताइए. अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से चेक करिए, एडिंग 160 बोथ साइड, या फिर आप इस 160 को यहाँ पे भेज दो, तो क्या हो जाएगा बताइए, 315 और प्लस 160 इज इक्वल्स टू 5F,
तो दिस इंप्लाइज इन दोनों को ऐड करिए बच्चों, 0 + 5 = 5, 6 + 1 = 7, 3 + 1 = 4 = 5f, नॉट डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, 5 से राइट में डिवाइड लगाएंगे, 5 से लेफ्ट में, 5 से 5 कैंसिल, 5 वन जा और 5 नाइन जा क्या होता है 45, 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 × 5 = 25, ठीक है। तो f का वैल्यू कितना आ रहा है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों टेम्परेचर जो होगा फ़ारेनहाइट में होगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताइए किसी को कोई डाउट है कैलकुलेशन में? हाँ कर लीजिए, हटा दें इसको। Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड इफ द टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो दो क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए इन्होंने। टेम्परेचर पहले 0 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और इसको हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे, तो पहले यहीं तक सॉल्व कर लीजिए आप। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है बच्चों, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5f − 160/9। क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय 9 बोथ साइड, तो 9 से लेफ्ट में और 9 से राइट में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 9 कैंसिल, 9 × 0 = 0 हो गया, इज इक्वल्स टू यहाँ हो गया 5f − 160। अब तो आप समझदार हो, 160 इधर लेफ्ट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 0 + 160 कितना हो जाएगा 160 इज इक्वल्स टू में 5f, नाउ डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, 5 से 5 गया, 5 वन जा और 5 थ्री जा 15 और वन जाएगा 5 टू जा, तो f कितना आ गया 32 डिग्री, मतलब टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट कितना आ गया 32, ठीक है। तो आप लोग अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे बताइए, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस देन इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इन फ़ारेनहाइट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात समझ में आई? तो ये पार्ट वन का बच्चों आंसर था कितना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब समझो, आपने सुना होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है, क्योंकि उसी टाइम वो मेल्ट भी कर रही होती है और फ्रीज भी कर रही होती है, दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, ये हमने आपको उसमें शायद केमिस्ट्री में बताया, ठीक है। तो बात समझिए बच्चों, तो आप 0 डिग्री सेल्सियस बोलिए, आइस का मेल्टिंग पॉइंट आप 0 डिग्री सेल्सियस बोलिए, और चाहे आप आइस का मेल्टिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलिए, बात क्या है, सेम है, ठीक है, उसकी डिग्री ऑफ कोल्डनेस क्या है, सेम है, बस स्केल चेंज हुई है, एक जगह हम बात कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस में और दूसरी जगह हम बात कर रहे हैं फ़ारेनहाइट में। बात समझ में आई कि नहीं? हटा दें इसको। अब इसका पार्ट टू देखिए स्टूडेंट्स, तो इसका जो पार्ट टू है वो क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए आप। इसके पार्ट टू में आगे पढ़िए, कह रहा है एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है, तो आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू एफ की वैल्यू कितनी रखोगे 0, तो C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 × 0 0 हो जाएगा 0 − 160/9, ठीक, तो हो जाएगा 0 − 160 कितना होता है −160, ऐसे ही छोड़ दो बच्चों, एक कटवट नहीं रहा है ना, 3 से भी नहीं कैंसिल होगा, ऐसे ही छोड़ दो। तो हम पार्ट टू का आंसर क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर इफ द टेम्परेचर 0 फ़ारेनहाइट द टेम्परेचर इन द सेल्सियस स्केल विल बी व्हाट −160/9 °C। कोई डाउट है बताइए? मतलब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बोला जाए या −160/9 °C बोला जाए, बात क्या है, सेम है, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या बोलता है नेक्स्ट बच्चों, पार्ट फोर देखिए जरा, पार्ट फोर्थ में आपको बोलता है व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इफ द टेम्परेचर विच व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विच इज सेम एज सेम इन द सेम इन बोथ द स्केल, ठीक है। कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि उस टेम्परेचर की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, उस टेम्परेचर की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी जो दोनों स्केल में क्या हों, सेम हो। बात समझ में आ रही? तो ऐसा कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू है जो दोनों स्केल पे क्या हो, सेम हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या है देखिए बच्चों, जितना इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है उतना ही इसका है, तो लेट कर लीजिए, लेट मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, पहले लेट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ या लेट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड क्या क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर, लेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर विच इज सेम इन बोथ द स्केल विच इज सेम इन बोथ द स्केल बी एक्स,
माना कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी x है। आप इसका मीनिंग समझते हो बच्चों? इसका मीनिंग ये है कि c जितना है न्यूमेरिकली उतना ही f है, यानी कि c इज इक्वल टू f, दोनों ही इक्वल है, तो दोनों को ही हमने किसके इक्वल अज्यूम कर लिया, x के, यानी कि जहां जहां c है वहां वहां हम एक्सपोर्ट करेंगे और जहां जहां f है वहां वहां भी हम एक्सपोर्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? और x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वही एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो दोनों स्केल में क्या होगी, सेम होगी। ओके, रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x की जगह क्या रखेंगे, c की जगह x इज इक्वल टू 5 इंटू f की जगह x रखेंगे, तो 5x माइनस 160 अपॉन में 9। बस अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक। एनसीईआरटी में भी शायद एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 9 ऑन बोथ साइड, तो 9 से राइट में मल्टीप्लाई किया, 9 से लेफ्ट में, तो ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, 9 इंटू x, 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 160। ओके, तो सॉल्व करते हैं, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 5x को लेफ्ट में ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 5x इज इक्वल्स टू माइनस 160, ये माइनस मत भूल जाना, ये बचा रहेगा ऐसे है ना। 9 माइनस 5 क्या होता है बोलिए, 4x, तो ये 4x इज इक्वल्स टू माइनस 160, नाउ डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, 4 से लेफ्ट में 4 से राइट में डिवाइड, 4 से 4 कैंसिल, 4 वन जा और 4 4 जा 0, तो कितना आ गया माइनस 40। इस बस इतना ही हम यहाँ पर लिख के छोड़ देंगे। ओके, तो माइनस 40 इज द टेम्परेचर, माइनस 40 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विच इज सेम इन बोथ द स्केल। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोल रहा है इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन, ये केल्विन नहीं है बच्चों, केल्विन, जैसे डिग्री सेल्सियस स्केल होता है ना टेम्परेचर का और डिग्री फ़ारेनहाइट, वैसे केल्विन भी होता है। आप पढ़ोगे कहाँ, क्लास 11th में सब स्टार्ट होगा, वैसे थोड़ा सा क्लास 9th में भी पढ़ाया जा चुका आपको केमिस्ट्री में ना। हाँ भाई, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन एज एक्स डिग्री केल्विन, एक्स डिग्री केल्विन, और इन फ़ारेनहाइट एज वाई डिग्री फ़ारेनहाइट, द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, दो सिस्टम्स मेजरमेंट के हैं आपके पास टेम्परेचर के, केल्विन सिस्टम है एक, फ़ारेनहाइट सिस्टम है। तो केल्विन सिस्टम और फ़ारेनहाइट सिस्टम में बच्चों जो रिलेशन है वो लीनियर इक्वेशन से दिया गया, वाई इज इक्वल टू 9 अपॉन 5 एक्स माइनस 273 प्लस 32 से, ठीक। यहाँ पर फोकस आपको ये करना है कि वाई क्या लिखा हुआ है, फ़ारेनहाइट, यानी कि ये क्या है, फ़ारेनहाइट, और एक्स क्या लिखा हुआ है, एक्स डिग्री केल्विन, तो ये क्या है, केल्विन, तो राइट हैंड साइड केल्विन है और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, फ़ारेनहाइट है। मैं आपके हिंट के लिए लिख दे रहा हूँ बच्चों, केल्विन और इधर फ़ारेनहाइट, मतलब फ़ारेनहाइट किस पर डिपेंड कर रहा है, केल्विन पे, इस तरीके से। तो फ़ारेनहाइट यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब एक्स की वैल्यू डालते जाओ वाई निकालते जाओ, ऐसा भी हो सकता है कि आप वाई डालो एक्स निकाल लो, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मतलब हम सिंपल शब्दों में बोलें तो फ़ारेनहाइट को केल्विन में और केल्विन को फ़ारेनहाइट में सिस्टम से चेंज किया जा सकता है, इस रिलेशन से चेंज किया जा सकता है, ठीक है। पार्ट वन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, है इसमें कुछ भी नहीं, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट, तो आपको किस में निकालना है टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट में, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन, तो ये क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, केल्विन में दिया ना, तो ये एक्स का वैल्यू है और फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है, यानी कि आपको वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो पार्ट वन का बच्चों जो सॉल्यूशन होगा वो होगा वाई इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 5 इन द ब्रैकेट, x की जगह कितना पुट कर दोगे आप, 313 बस, माइनस 273 और प्लस 32, इसको आप सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, तो हो जाएगा 9 बाय 5 इन द ब्रैकेट 313 माइनस 273 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 माइनस 3 0 आ जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पे 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा 4 और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा कुछ हो गया और प्लस में 32, अगर आप ध्यान से चेक करें बच्चों तो ये 9 अपॉन 5 इंटू 40 लिखा हुआ है, तो 5 वन ज़ा 5 और 5 एट ज़ा क्या होता है 40 और 8 9 ज़ा क्या होता है 72, तो क्या आ गया आपके पास 72 और प्लस 32, सॉल्व कर लीजिए, 2 प्लस 2 4 होता है, 7 प्लस 3 10 होता है, तो 104 डिग्री क्या फ़ारेनहाइट, ये पार्ट वन का आंसर है, क्योंकि फ़ारेनहाइट पे हमको चेंज करना था ना, तो पार्ट वन का आंसर कितना आ गया आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताइए कोई डाउट है। पार्ट टू का बच्चों सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है, पार्ट टू में कह रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब इस बार आपको y का वैल्यू गिवन है और फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन, यानी कि आपको x फाइंड करना है, ठीक है ना, आपको x का वैल्यू इस बार फाइंड करना है, ठीक है। रख दीजिए, क्या टू देखिए, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 158 देन फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन, तो ये फ़ारेनहाइट में दिया है, यानी कि y का वैल्यू है और केल्विन में आपको निकालना है, यानी कि x का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। लगा दीजिए ये जो रिलेशन दिया हुआ है, तो y की जगह हम कितना पुट करेंगे बताइए, 158 ओके इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 5 इन द ब्रैकेट x माइनस 273 और प्लस
32, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, ध्यान से चेक करिए, 32 प्लस में इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो कर दीजिए 158 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5 एक्स माइनस 273, सही है। अब इसको माइनस करिए, 8 माइनस 2 कितना होता है 6, और 5 माइनस 3 2, और 1 एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास 9/5 एक्स माइनस 273। ये क्वेश्चन मैंने हटा दिया, आगे यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 5 बोथ साइड, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, 126 इज इक्वल्स टू 9/5 इन द ब्रैकेट एक्स माइनस 273। नाउ 5 से हम लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से राइट में, 5 से 5 कैंसिल, 5 6 जा 33, 5 टू द 10 प्लस 3 13, 1 5 इन जा 5 प्लस 1 6 इज इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स 9x, और अच्छा ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो ध्यान से चेक करिए 9 इन द ब्रैकेट x माइनस 273, नॉट डिवाइडिंग बाय 9 बोथ साइड, लेफ्ट में 9 से और राइट में 9 से डिवाइड, 9 से 9 कैंसिल, 9 बन जा और 9 7 का 63 और एक जीरो लगा देंगे ये वाला, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज 70 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा x माइनस 273, कोई डाउट है बताइए। अब इतना सभी बच्चे कॉपी करें, मैं इसको हटा दूंगा, कॉपी करिए, कर लिया, हटा दें, चलो। तो देखिए जनाब, अब ये 273 इधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 70 और प्लस 273 इज इक्वल्स टू एक्स, तो कितना हो जाएगा ये 7 प्लस 0 प्लस 3 3, 7 प्लस 7 14, 1 जाएगा कैरी, 2 प्लस 1 3, 343 क्या केल्विन, तो एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट 343 आ गया, मतलब जो x का वैल्यू वो केल्विन में ही तो है, तो इसका मतलब कि 158 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो किसके इक्वल है 343 डिग्री केल्विन के। तो ये आपका पार्ट टू का आंसर है, ओके कर लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आप ठीक से पढ़ लीजिए, मैं अभी क्वेश्चन हटा दूंगा, शायद मुझे ये ग्राफ बड़ा करना पड़े। कह रहा था फोर्स एक्स एक्सर्टेड टू पुल अ कार्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कार्ड, समझ रहे हो ना, किसी कार्ड को पुल करने के लिए, खींचने के लिए फोर्स की जरूरत है, एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट एक्सलेशन। तो बच्चों एक काम करते हैं, लेट द फोर्स बी डिनोटेड बाय व्हाट, वाई, लेट द फोर्स बी डिनोटेड बाय व्हाट, वाई, फोर्स को हमने वाई से दिखाया है, उसके बाद क्या कह रहा है, ये जो फोर्स है मतलब ये जो वाई है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू व्हाट, एक्सलेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, बॉडी में जो एक्सलेशन प्रोड्यूस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, तो लेट द एक्सलेशन बी एक्स, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, एक्सलेशन को हम क्या अज्यूम कर लेंगे एक्स, ठीक है। तो वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू व्हाट एक्स, एक बात बताऊं, आपने फिजिक्स में फोर्स का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, एफ इज इक्वल्स टू एम इन टू ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स की जगह वाई आ गया और एक्सलेशन की जगह एक्स आ गया, और मास देखिए क्वेश्चन में दिया होगा 6 किलोग्राम है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू 6x बनेगा। तो वही चीज़, अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनेट का साइन हटाएं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाएं, तो कॉन्स्टेंट आएगा, और वो कॉन्स्टेंट क्या है 6x, ठीक है। तो ये देखिए, ये y इज इक्वल्स टू 6x आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, रीड फ्रॉम द ग्राफ द फोर्स रिक्वायर्ड व्हेन द एक्सलेशन प्रोड्यूसेस 5 मीटर, हाँ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब बात समझो बच्चों, देखिए कोई बॉडी जब एक्सलेट होती है तो उसकी वेलोसिटी में क्या आता है, चेंज आता है, ठीक है। जैसे अब ये जा रही है, अगर इसको हमें तेज करना हो, इसकी वेलोसिटी में अगर हमें, लेट अस अज्यूम कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक, ये सब फिजिक्स में हमने आपको बताया, वेलोसिटी से हमारा तात्पर्य यहाँ पर ये है कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रही, तो डायरेक्शन की कोई बात नहीं कर रहे, आपको डायरेक्शन दिख रही, ठीक है। तो वेलोसिटी इसकी इंक्रीज करने के लिए क्या लगाना होगा बताओ, फोर्स, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी मतलब वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज, और जब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ही क्या होता है, एक्सलेशन, मतलब इसको एक्सलेट करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो वही कह रहा है कि कितना फोर्स चाहिए ग्राफ से देख के बताओ, जब एक्सलेशन कितना बन जाए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कितना फोर्स चाहिए ग्राफ से देख के बताओ, जब एक्सलेशन कितना बन जाए 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो बच्चों। तो देखिए जहाँ तक मुझे समझ में आता है, इन्होंने यहाँ पर एक्सलेशन कितना दिया, देखिए यहाँ पर बच्चों अगर मैं एक टेबल बना लूँ, बात समझिए जरा, ठीक है। तो टेबल के लिए कितने पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट ले लेते हैं ना, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, चलो एक्स की वैल्यू 0 डालो तो वाई भी कितना आ जाएगा 0, ठीक। और क्या कर सकते हैं बच्चों, x की वैल्यू 1 ले लें, तो x की वैल्यू 1 लोगे तो y कितना आ जाएगा 6, x की वैल्यू चलो 2 ले लो तो y कितना आ जाएगा 12, ठीक है। यानी कि जब एक्सलेशन कितना है 0, तो फोर्स रिक्वायर्ड भी 0, ऑब्वियसली जब एक्सलेट ही नहीं हो रही बॉडी, मतलब फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है ना। तो 0, 0, तो यहाँ पे चेक करिए, पहला पॉइंट आएगा आपका 0, 0, दूसरा क्या है
मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन पैदा करने के लिए कितना न्यूटन फोर्स चाहिए, 6 न्यूटन, तो 1.6। और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन पैदा करने के लिए हमको कितना न्यूटन फोर्स चाहिए, 12 न्यूटन। तो जाके बच्चों वहाँ पे प्लॉट कर लो। एक चीज़ देखिए जरा, आपको हमेशा ये वाई की वैल्यू इवन नंबर मिलेगी, क्या मिलेगी, इवन, चेक कर लो क्योंकि ये 6 से मल्टीप्लाई है ना। तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे एक्सेलेरेशन लिया, एक्सेलेरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, फोर्स इन न्यूटन, तो ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लेते हैं फोर्स इन न्यूटन। अब यहाँ पे आपको स्केल भी लिखनी होगी, सॉरी तो स्केल क्या लिखनी होगी मैं आपको बता देता हूँ। स्केल क्या, स्केल लिया आपने, बताइए, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, ध्यान से चेक करिए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 सेंटीमीटर में कितना एक्सेलेरेशन अज्यूम किया आपने, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ऑन वाई एक्सेस, हाँ भाई ध्यान से चेक करिए, ये मैं करने जा रहा हूँ वाई एक्सेस। बच्चों आप लोग एक काम करिए कि आप ना 1 सेंटीमीटर में 2 न्यूटन लीजिए, कितना लीजिए, 2, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 4, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 6, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 8। ग्राफ पेपर ना छोटा पड़ जाएगा, पता है मैं कैसे समझ रहा हूँ, मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि देखो बच्चों एक्सेलेरेशन कितना दिया है, 5। अगर मैंने अपने मन में यहाँ पर 5 रखा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैंने अपने मन में यहाँ x की वैल्यू 5 रखी तो y कितना आ जाएगा, सोचो 6 5 30 आ जाएगा ना, तो आपको क्या चाहिए, 5.30 चाहिए ना ग्राफ पेपर पे। तो x पे तो 5 आराम से मिल जाएगा, y पे आपको 30 कैसे मिलेगा जब आप इतना बड़ा ग्राफ पेपर ही नहीं आपका, है ना। तो 1 सेंटीमीटर में बच्चों आपको क्या लेना है, 2 न्यूटन आप ले लीजिए 1 सेंटीमीटर में। तो इस बात को आप यहाँ पे लिख दीजिए कि ऑन वाई एक्सिस टेक व्हाट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन। तो ये हो जाएगा बच्चों 10 न्यूटन, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ कितना हो जाएगा 14, यहाँ क्या हो जाएगा 16, यहाँ कितना हो जाएगा 18, यहाँ कितना हो जाएगा 20, यहाँ क्या हो जाएगा 22। अब आगे मुझे बच्चों बढ़ाना पड़ेगा इसको, ठीक है, तो इसको बढ़ा देता हूँ मैं, और यहाँ कहीं आएगा, फिर यहाँ कहीं ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ठीक। तो 22, फिर 24, 26, 28 और यहाँ क्या आएगा 32 तक कर लो, ठीक है। तो फोर्स इन न्यूटन चल रहा है वाई एक्सिस पे, ठीक। पहला पॉइंट क्या था आपका, 0.0, तो ये आ जाएगा आपका 0.0, फिर 1.6, तो 1 एक्सेलेरेशन है और फोर्स कितना है, 6। फिर नेक्स्ट क्या है, 2.12, है ना, तो 2.12 कहाँ आएगा, 2.12 यहाँ कहीं आएगा, ठीक। तो ये वाला और ये वाला, इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो आपको ग्राफ मिल जाएगा। और आपको बहुत ही शार्प पेंसिल से और बहुत ही सावधानी से करना है बच्चों, मेरे पास तो यहाँ ग्राफ पेपर नहीं है, ऐसे करके आप करोगे, ठीक है। और इस पर हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन, आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, बट वो सब फिर फिजिक्स में चला जाएगा कि फोर्स नेगेटिव है, मतलब ब्रेक लग रहा है, उसको रोकने के लिए कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो ये सब बातें हैं, ठीक है, तो वो सब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फिजिक्स की क्लास करिए उसके लिए, हमारी भी क्लासेस अवेलेबल हैं फिजिक्स की, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कॉमेंट किया हुआ है जो पिंड कॉमेंट, आप चेक कर सकते हैं। तो वाई इज इक्वल्स टू क्या, 6x, ओके, ये इक्वेशन लिख दी। अब बच्चों इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, पूछा है कि जब एक्सेलेरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे 5 से, और 5 से हम एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। और जब ड्रॉ करोगे ना, देखो बच्चों मेरा ग्राफ ना सही आया नहीं है, आपको स्केल से क्या करना है, ऐसे 5 एक्सेलेरेशन जहाँ पे आपको मिल रहा है वहाँ से आपको वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो तो कर लोगे ना आपके ग्राफ पेपर में, अब हमारे पास तो है नहीं है ग्राफ पेपर, ये वाई एक्सिस के पैरेलल जब ये लाइन आएगी, पता है कहाँ ग्राफ को कहाँ पे काटेगी, 30 पे। अब हमारा देखिए ग्राफ ही नहीं सही आ रहा है, ये कुछ बच्चों ऐसे करके आएगा ग्राफ, यहाँ से ये वाला जो पॉइंट मिलेगा आपको, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 5.30। इसका मतलब क्या है कि जब एक्सेलेरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स रिक्वायर्ड कितना है, 30 न्यूटन। तो पार्ट वन का आंसर सभी बच्चे अपने कॉपी में लिख लें, क्या कि फोर्स रिक्वायर्ड इज 30 न्यूटन टू प्रोड्यूस द एक्सेलेरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, लिख लोगे बोला है जो मैंने। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एक्सेलेरेशन कितना, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ रख के चेक कर लीजिए, 6 कितना होगा, 36। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 36, यानी कि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन पैदा करने के लिए हमें 36 न्यूटन फोर्स चाहिए। बेटा ग्राफ पे बनाओगे खुद ही आ जाएगा, अब हमारे पास ग्राफ नहीं है, हम क्या करें बताइए। तो ये 6 वाई एक्सिस के पैरेलल
सिक्स एक लाइन ड्रॉ करो, कहाँ पे कट करेगी 36 पे, यहाँ आएगा 34, यहाँ पे आएगा 36, 30 दो दो का गैप लिया ना, तो ये देखिए ये, अब देखिए बेटा ये आ नहीं रहा है, ठीक है थोड़ा अंदाजे से कर देना, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका 6.36, मतलब 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए 36 न्यूटन का फोर्स हमको चाहिए। कोई डाउट है बताइए। तो इस तरीके से करेंगे, वो आप ग्राफ पेपर पे आएगा तो आप इजीली कर सकते हो। मैंने कैसे पहचान लिया, मुझे तो फॉर्मूला पता है ना यहाँ रिलेशन एक्स और वाई में, तो मैं एक्स की वैल्यू मैंने डाल दी, एक्स की वैल्यू ही तो है, एक्सलेशन एक्स ही तो है, तो मुझे वाई मिल गया तो मैंने अंदाज़ा लगा के बना लिया। लेकिन आप जब ग्राफ पे करोगे तो आप करेक्टली उसको पढ़ सकते हो कि कितने एक्सलेशन पे कितना फोर्स है, ठीक है, मतलब कितना एक्सलेशन पैदा करने के लिए कितना फोर्स चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है मैथ्स का, अब शायद फिजिक्स के साथ हम नेक्स्ट एनसीईआरटी एग्जामिनर चैप्टर के साथ मिलेंगे, दैट इज व्हाट ग्रेविटेशन ना। बट उससे पहले बच्चों आप लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है जो पिन कमेंट है, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो एनसीईआरटी एग्जामिनर समझ में नहीं आएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।